अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। मेरा नाम है गुलाम यादव। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है आलोक सर का लाल टोपी इज क्राइंग फॉर फलस्तीन। और फलस्तीन के बारे में क्यों चीख रहा है, आइए देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई लोगों, लाल टोपी यानी कि अपने फेवरेट जैद हामिद का वीडियो आ गया एक। और जैद हामिद इसमें बड़े निराश दिख रहे हैं। टोपी बदल गई है, लाल के बदले हरी हो गई है, फौजियों टाइप टोपी पहन ली है और दिया है मैसेज फॉर द चीफ टाइटल इसका। मतलब पाकिस्तानी सेना के जो चीफ हैं उनको ये कुछ कह रहे हैं। आइए देखते हैं, बड़ी मजेदार बातें होने वाली भाई, बहुत मजा आएगा। जनरल आसिम, आज मैं बराहे रास्त आपसे मुखातिब हूं। अल्लाह ने आपको उम्मत मुस्लिमा की सबसे ताकतवर फौज का सिपा सलार बनाया है। और आप सबसे ताकतवर कैसे? 93,000 का सरेंडर हुआ था, जो पैंट उतरी थी उस हिसाब से कि सरेंडर करने में सबसे ताकतवर है, या वो सियाचिन चला गया था हाथ से वो, या अब तक हुई सारी लड़ाइयों में हारने की वजह से, या 71 में आपका मुल्क टूटने की वजह से? मतलब कैसे सबसे मजबूत फौज कैसे होगी भाई, कैसे? 76 साल हो गए, कश्मीर का 1 इंच ले नहीं पाए और आप कहते हैं सबसे मजबूत। कमाल है एयर कोमोडोर एडमिरल वाइस चीफ मार्शल जैद हामिद। आप मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर जनरल हैं। अल्लाह ने आपके दिल में कुरान पाक को महफूज किया है। आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले हैं, सैयदी रसूलुल्लाह के खानदान से हैं। आप पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है फलस्तीन के मुसलमानों के लिए। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, पूरी मुस्लिम दुनिया हमारी जिम्मेदारी है और खास तौर पर फलस्तीन, जहां सूरत हाल अब इतनी खराब हो चुकी है कि शुमाली गजा के 7 लाख फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं और जनूबी गजा के 15 लाख किसी भी लम्हे इसराइली यलगार में तहस नहस किए जा सकते हैं, शहीद किए जा सकते हैं। और जो कायनात का जुल्म हो सकता था वो आपकी आंखों के सामने गजा में हो रहा है। पाकिस्तान बना भी नहीं था तो हमारे बड़ों ने फलस्तीन के लिए आवाजें उठाई थी। अल्लामा इकबाल, कायदे आजम तो खुद मिस्र तशरीफ लेके गए, तमाम अरब हुक्मरानों को जमा किया, मुफ्ती आजम फलस्तीन से मुलाकात की और यकीन दिलाया। अरे इतना दर्द हो रहा है तो तू ही क्यों नहीं जाता भाई? इतना दर्द हो रहा है तो स्किल्स दिखाता रहता है अपने, ये फायरिंग, ये भाग के दौड़ के इधर गए उधर गए, जाना भाई कुछ दिखा यार बेचारे फिलिस्तीनियों के लिए, कुछ तो कर भाई। कमरे में बैठकर एसी की हवा खाकर बोल रहे हो यार, ये कौन सा प्यार है फिलिस्तीनियों से यार तुम्हारा? अरे थोड़ी मोड़ी गैरत बची है तो जाओ ना यार, जाओ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं दूसरों को भेजूंगा, खुद नहीं जाऊंगा, आसिम मुनीर को कह दूंगा। आसिम मुनीर पागल है क्या, दूसरे के फड्डे में टांग अड़ाने जाएगा? यकीन दिलाया कि हमेशा पाकिस्तान फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए खड़ा रहेगा। जब इस यहूदियों ने पहला नकबा किया, कायदे आजम ने लाखों राइफलें खरीद के अरबों को भिजवाई कि फलस्तीनी मुसलमानों की मदद की जाए। उस वक्त अपनी हुकूमत नहीं है, अपना पाकिस्तान नहीं बना हुआ, जब ताज बरतानिया और अमरीका के खिलाफ इतने सख्त बयान दिए, फरमाया कि इसराइल मुसलमानों के कल्ब में खंजर है। और मैं अल्लामा इकबाल ने इसको ये फरमाया कि ये वेस्टर्न आउटपोस्ट ऑन द गेट्स ऑफ द ईस्ट, ये तक फरमाया बुजुर्गों ने कि हम जेल जाने को तैयार हैं, हम टकरा जाएंगे और ब्रिटिश और
अमेरिकन एम्पायर अगर यहूदियों के पीछे ना हो, फिर हम देखते हैं कि किस तरह वहां इसराइल कायम कर सकते हैं। बड़ा वाज़े मौकफ था हमारा। और फिर हमारी पूरी तारीख, पाकिस्तान हमेशा इसराइल के खिलाफ खड़ा रहा है। 67 की जंग हो, 73 की जंग हो, हमने मिस्र की मदद की जाके इसराइल के खिलाफ, हमने उर्दुन की मदद की, हमने शाम की मदद की, हमने इराक की मदद की। लेकिन हुआ क्या उस मदद से? इसराइल को मिटा दिया, इसराइल के द्वारा किए जा रहे कामों को रोक दिया, उल्टा इसराइल ने अरब सहित तुम सभी को छित्तर मारे हैं। आज भी वो डंडा लेके खड़ा है। इतना जोर लगा लिया तुम लोगों ने, इतना जोर लगा लिया पूरे अरब ने, और जैसा कि जैद हामिद बता रहे हैं कि पाकिस्तान भी पुरजोर करता रहा। रिजल्ट क्या निकला? किसी भी लड़ाई का एक मोटिव होता है, उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। क्या हुआ उसका? सारा दम लगा दिया लेकिन दम काम नहीं आया। इसराइल तब भी मार रहा था, आज भी मार रहा है। फिर तो बड़ी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, फिर तो बड़ी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मोहम्मद अली जिन्ना इतने ही वो थे तो अपनी फौज क्यों नहीं भेज रहे? भेज देते उस वक्त भी। एक भी बार तो फौज नहीं भेजी उन्होंने कि सीधे जाओ इसराइल पर अटैक कर दो। एक भी बार अपने मिसाइलों का मुंह भी नहीं मोड़ा उधर इसराइल की तरफ। इतने बड़े फट्टू हैं आप लोग। 76 ईयर्स हो गए हैं, 76 ईयर्स में तो आप बकौल आपके इसराइल ने बड़ा जुल्म किया है ना, तो क्या किया आपने उस जुल्म के खिलाफ? सिर्फ बातें, जैसे आप कमरे में बैठकर कर रहे हैं। दुनिया समझदार हो चुकी है साहब। 73 में तो खुद पाकिस्तान टूटे एक डेढ़ साल हुआ था। हम अपनी तारीख के सबसे कमजोर तरीन मकाम पर खड़े हुए थे, उसके बावजूद हमने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स और अपनी बटालियंस को हमने भेजा जॉर्डन के और सीरिया के और अरब मुल्कों के दिफा के लिए। हमारी एयरफोर्स गई, हमने इसराइली जहाज मार कर गिराया। तो आज तो अल्लाह के फजल से हम एटमी ताकत हैं। पूरी मुसलमान दुनिया हमारी जानिब देख रही है, और जिस कस्म का सफाक जेनोसाइड और कत्लेआम फलस्तीन में यहूदी कर रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क उसको रोकने वाला नहीं। सब एक दूसरे की जानिब देख रहे हैं। यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पहला कदम उठाए। जब इंडिया इसराइल की मदद करने के लिए वेपन्स और ड्रोन्स भेज सकता है, तो हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल और एयरफोर्स का कवर क्यों नहीं दे सकते? आखिर बॉस्निया अगर आज कायम है तो पाकिस्तान की वजह से कायम है, पाकिस्तान आर्मी की वजह से, अल्लाह के फजल से कायम है। हमने तो उस वक्त यूएन की अम्ब्रेला में, यूएन फोर्सेस थी हमारी, हमने उनके अंदर होते हुए यूएन के मैंडेट के खिलाफ वर्जी करते हुए बॉस्निया की मदद की, सर्ब्स को पीछे हटाया, वरना आज बॉस्निया का नाम निशान ना होता। वो सब भी पाकिस्तान की वजह से। बॉस्निया में जाकर कराए और कश्मीर में कुछ नहीं किया, आपकी फौज कुछ नहीं कर पाई। आज भी आप गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सर्ब्स को बचाए, मतलब सर्बियों सर्ब के खिलाफ कराए, बॉस्निया को बचाए, कश्मीर का कुछ नहीं कर पाए। लाहौल बिला कुवत, उफ। पूरी मुस्लिम दुनिया, इंडोनेशिया की आजादी का मामला आया तो आपने देखा उस वक्त कायदे आजम ने सिपाही भी भेजे और हॉलैंड के जो जहाज असलाह लेकर इंडोनेशिया जा रहे थे उनको रोक लिया कि हम अपने मुसलमान भाइयों के कत्लेआम में मददगार नहीं होंगे। पूरी पाकिस्तान की तारीख उठा के आप देख लीजिए, आप उससे बेहतर जानते हैं। और इसी जॉर्डन के कहने पर आप ही की फौज ने 25,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया था, उनका कत्लेआम कर दिया था, ये नहीं बताएंगे? ब्लैक फ्राइडे या ब्लैक सितंबर कुछ मनाते हैं ना ऐसा। 25,000 फिलिस्तीनियों को पाकिस्तानी सेना ने मार दिया था वहां पर जॉर्डन के कहने पर। दुनिया ये भी जानती है, कितना झूठ बोलोगे यार? झूठ बोलकर अपनी आवाम को बेवकूफ बना सकते हो, दुनिया को नहीं बना सकते। दुनिया जानती है कि कितनी बहादुर फौज है आपकी, जब 93,000 की पैंट उतार दी गई थी 71 वॉर में। हम भी जानते हैं कितनी बहादुर फौज है। आज अल्लाह ने आपको इज्जत के इस मकाम पर खड़ा किया है। पाकिस्तान फौज के खिलाफ पूरी दुनिया साजिशें कर रही है। पाकिस्तान के अंदर गद्दारों की एक फहरिस्त है।
कि जो पाकिस्तान में बगावत करना चाहते हैं और पाक फौज को टारगेट कर रहे हैं और अवाम के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तानी कौम क़यादत तलाश कर रही है। हमारी सियासी क़यादत आपने देख ली, सब नापाक गलीज, तो अब कौन सी क़यादत कहां से आएगी? जाहिर है कि लोग पाक फौज की जानिब देखेंगे। हमेशा जब पाकिस्तान को मुश्किल पड़ी या उम्मत मुस्लिमा को मुश्किल पड़ी तो लोगों ने पाक फौज की जानिब देखा है, और आज जाहिर है कि अल्लाह ने इस पाक फौज की क़यादत आपको दी है। ये सब जिलाली परचम आपने बुलंद रखना है, अल्लाह इसके जरिए आपको इज्जत दे रहा है। आपके पास इख्तियार है, ये जाहिरी दुनिया का इख्तियार थोड़े दिनों का है। अगर आप सईद रसूलुल्लाह की ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपको तब्दील करके अल्लाह आपकी जगह किसी दूसरे को ले आएगा। जाहिर है आपसे पहले भी इस ओहदे पर कोई और था, उससे पहले भी कोई और था, और आपके बाद भी कोई और होंगे। लेकिन जो सआदत का मौका आपको आज मिल रहा है वो रिटायरमेंट के बाद तो नहीं मिलेगा। आज आप साहिब इख्तियार हैं, आज आप इसराइल को धमकी दे सकते हैं, आज आप दुनिया को इकट्ठा कर सकते हैं यहूदियों के खिलाफ कि 20 लाख सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का बेहतरीन हिस्सा ज़िबा हो रहा है, और हम तमाशा देखते रहे, पाकिस्तान देखता रहे कि वो रोन दिए जाए इसराइली टैंकों के नीचे, उनके बच्चे उनकी औरतें। ये जेनोसाइड है जो हमारी आंखों के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और पाकिस्तान देखता रहे। पाकिस्तानी कौम को तो हम क्या कहेंगे? ये आपस में इनको सियासतदानों ने, फिरकावाराना जमातों ने, दहशतगर्द ग्रोहों ने, कौम परस्तों ने इतना तकसीम कर दिया है कि ये कौम उम्मत के बारे में तो सोच ही नहीं रही। लेकिन जिनको अल्लाह ने रियासत की जिम्मेदारियां दी हैं उनका काम है सोचना। जो मर्जी मुश्किलात मुल्क में हो, हम पाकिस्तान, पाकिस्तान की क्यादत और मुसल्ला अफवाज सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की जिम्मेदारियां तर्क नहीं कर सकते। आप पे लाजिम है कि आप फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, इसराइल को धमकी दें, बेशक उसको जाके अगर हिट मारना पड़े जैसे हमने पहले मार के गिराया था, करें जाके आप। ये कुछ अरसे में रफा के अंदर अपनी फाइनल असॉल्ट शुरू करेंगे, मिस्र ने दीवार बना के खड़ी कर दी है। आप मिस्र से बात करें, आप उर्दुन से बात करें, उर्दुन चंद एक जहाज एयर ड्रॉप किए हैं उन्होंने नॉर्थ गाजा में सप्लाईज के। प्रॉपरली अगर हम बात करें तो सैकड़ों जहाज हमें पूरा एयर ब्रिज बनाने की जरूरत है कि जो हम जाकर गजा के अंदर सप्लाईज ड्रॉप करें। आप नेवल शिप भेजें, बैटल शिप भेजें, देखें किसका बाप रोकता है तो बताएं, जरूरत है किसी की रोक के दिखाएं, उसको न्यूक्लियर कवर दें, बेशक हम 6-7 तक हम जाएंगे। क्या 20 लाख मुसलमानों को जिबा होते देख लें? अरे किसी का बाप नहीं रोकेगा, आपके बाप की औकात नहीं है भेज देने की, कोई किसी और का बाप नहीं आएगा, आपके ही बाप की औकात नहीं है भेज देने की। भाई भेज के तो दिखाएं, ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने पर तुला है भाई। अगर आसिम मुनीर ने इसकी बात सुन ली, आसिम मुनीर को कह रहा है कि जा तू सुसाइड कर ले, आत्मघाती बन जा, फड्डा इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, पाकिस्तान को क्या मचिए भाई? जो उसके आसपास हैं, ना इजिप्ट की बात की तूने, इजिप्ट ने तो भैया तार और लगा के बाड़ और मजबूत कर दिया कि कोई घुस ना जाए उधर से, न इजिप्ट, न जॉर्डन, न सीरिया, न सऊदी, न यूएई, सब बोल रहे हैं मदद पहुंचा रहे हैं, दवाइयां दे दो, ये कर दो कर दो, कोई लड़ने नहीं जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान को भी सुसाइडल मिशन करना है, आत्मघाती करना है अपने देश, खुद पाकिस्तान की हालत खराब है, चले जाओ भैया, हम तो मना रहे हैं, हम तो, मैं इस बार जैद हामिद के साथ हूं और मैं बिल्कुल साथ हूं, मैं तो कहूंगा कि भैया पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर, भेजो अपनी फौज, भेजो अपने शिप्स, भेजो अपनी एयरफोर्स, भेजो अपने मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल, सब भेजो तो सही। एक गाड़ी का टायर भी आगे बढ़ेगा ना, कांड हो जाना है, और ये उकसा रहा है कांड करवाने को। हम इसराइल को धमकी भी ना दें, इस वक्त कोई मुल्क इसराइल को धमकी नहीं दे रहा, और वो सिर्फ पाकिस्तान से खौफजदा है। फलस्तीनी दुनिया में किसी मुल्क की जानिब नहीं देख रहा है, पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। फलस्तीनियों ने यह तक कहा था कि हानिया का बयान था कि अगर पाकिस्तान सिर्फ एक धमकी दे दे तो इसराइल जंग रोक देगा, और इसराइल तो हमारे खिलाफ वैसे ही हालत है जंग में। इंडिया की किस तरीके से इंडिया को वो असलाह सप्लाई कर रहा है, कश्मीर में इसराइल मौजूद है, 71 में मशरकी पाकिस्तान तोड़ने में इसराइल का किरदार था। इसराइल तो हमारा एक डिक्लेयर्ड एनमी है, फिर हम किस बात का लिहाज कर रहे हैं? वो तो हमारे खिलाफ जंगे कर रहे हैं, और माजी में हमने आगे बढ़ बढ़ कर उनकी सरहदों के पास जाकर उनको मारा है, और अब तो जैसे कहा अल्लाह ने हमें न्यूक्लियर मिसाइल भी दिए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी दिए हैं, हमारे पास वेपन प्रोग्राम्स भी इतना स्ट्रांग है कि अब हम अमेरिकन पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास चाइनीज वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स भी हैं, पहले हम F-16 की वजह से मजबूर हो जाते थे। अबे सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट,
एक हमारी ब्रह्मोस मिसाइल गई थी, कहां थे तेरे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, रोक ही नहीं पाए ब्रह्मोस को। क्या फर्जीवाड़े की बात कर रहा है और कह रहा है अमेरिका से डिपेंडेंट नहीं है। तो तेरे आर्मी चीफ वहां दो हफ्ते बिता के गुजार के काय को आए भाई, किस लिए आए हैं? आर्मी चीफ से पूछा नहीं तूने? और वो जो F-16 के लिए पैकेज मिला है कई सौ मिलियन डॉलर्स का, वो काय बात के लिए मिला है यार, डिपेंडेंट नहीं हो तो? ऐसी बात करो जिसपे एक्सपोज ना हो ज्यादा। अमीर लाल टोपी, एडमिरल एयर चीफ, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ स्टाफ जैद हामिद, आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है। अगर गजा के मुसलमान जिबा हो गए, अगर गजा का फॉल हो गया, अगर गजा के मुसलमान तबाह बर्बाद कर दिए गए, उसके बाद सईदी रसूलुल्लाह की ये उम्मत मुसलमान हुक्मरानों को कभी माफ नहीं करेगी, अल्लाह उसके रसूल माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान में आज जो मुखालफत आपके खिलाफ हो रही है खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तानियों को ये नजर आ जाए कि एक सिपा सलार ऐसा उठा है जो पाकिस्तान की भी हिफाजत करना जानता है और सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की भी हिफाजत करता है। फिर किसी की मजाल नहीं होगी आपके खिलाफ बात कर सके, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जो सियासी इख्तलाफ हमारा हो, लेकिन हर पाकिस्तानी गजा पर रो रहा है और सब ये सवाल करते हैं कि पाक फौज क्यों खामोश है। और वाकई मुझे भी नहीं मालूम पाक फौज क्यों खामोश है। क्या आपको सऊदी अरब ने धमकी दी है, यूएई ने धमकी दी है? जाहिर है इसराइल और अमेरिका हमेशा इन दो मुल्कों के जरिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे, पैसे रोक लेंगे, बैंकों से पैसा निकाल लेंगे, आपके बंदे वापस भेज देंगे। यही जब हम तुर्की और मलेशिया के साथ हमारा अलायंस बन रहा था उस वक्त भी सऊदी अरब ने यही धमकी दी थी ना। आज इसराइल का दिफा भी यही मुल्क कर रहे हैं बदनसीबी से। ये जैद हामिद नहीं बोल रहा है, सऊदी अरब के वो हजार कोड़े बोल रहे हैं जो इसके पिछवाड़े पे सऊदी अरब ने मारे थे जब ये पकड़ा गया था सऊदी अरब में। ये तो चाहता ही है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान भिड़ जाए, लेकिन पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं ना ज्यादा में, उन्हें पता है कि सऊदी अरब से भिड़ने का मतलब है खुद को मौत के कुएं में गिरा देना और उसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं है। अभी तो धोने के लिए पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तुम लड़ाई लड़ने की बात करते हो। अगर समुद्र यमन में इसराइल के खिलाफ इतना बड़ा स्टैंड लिया, उम्मत मुस्लिमा का सबसे कमजोर मुल्क जो सालों से जंग में था उसने स्टैंड ले लिया आज फलस्तीन के लिए, क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने उसका, क्या दुनिया की ताकतों ने उसका बिगाड़ लिया? अगर गैरत और इज्जत और जलाल और जमाल के साथ आप खड़े हों सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत के दिफा के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमान दुआएं भी करेंगे, वसाइल भी भेजेंगे, ताकत भी देंगे आपको, और आपके कहने पर मुसलमान मुल्क इकट्ठे भी हो जाएंगे। आप तुर्की से बात करें, आप मिस्र को जोर दें जबरदस्त, मिस्र हमें इनकार नहीं कर सकता, हजारों सैकड़ों ट्रक रेगिस्तान में खड़े हुए मिस्र ने रोक के बैठे हुए, किस लिए? इसलिए कि वो भी अमेरिका से डरता है, इसराइल से डरता है। आप उसको मजबूर करें कि हम सप्लाईज निकालें, अगर वो नहीं करते आप कहें हमारी सप्लाईज जाएंगी, कोई ना रोके उसको, ट्रक के जरिए भी भेजें, एयर ड्रॉप भी करें, नेवल शिप भी भेजें, आप बीच में तो आए इस मामले के। और फिर क्या खूबसूरत मजा है कि हम अपनी कमांडो बटालियन भी भेजें वहां पे जो सर्फेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ, जैसे हमने बॉस्निया में किया था और हमने सर्ब टैंकों को उड़ा के रख दिया था जिसकी वजह से सर्ब एडवांस रोका और बॉस्निया आज कायम और बाकी है अल्लाह के फजल से। ये तारीखी मौके होते हैं, बार बार ये मौके नहीं मिलते। जिस तरह इमरान खान के दौर में इंडिया ने जब कश्मीर हड़प किया था तो वो एक सुनहरा मौका था कि पाकिस्तान कश्मीरी मजाहमत को पूरा सपोर्ट करता, दाखिल हो जाता, हम एक लिमिटेड वॉर करते कश्मीर में, इंडिया को लग पता जाता। उस वक्त कश्मीरी मुजामत पूरी तरह उठी हुई थी, हजारों लाखों कश्मीरी सड़कों पर थे। औकात के हिसाब से बात करो बे, औकात के हिसाब से बात करो, खाने को आटा नहीं है, बंदूक की गोलियां कहां से खरीदोगे बनाओगे बे? तुम्हारा पहले का आर्मी चीफ बोल के क्या है, ये हमारे तो टैंक में तेल नहीं है भाई, तेल भरने के लिए पैसे नहीं है कि टैंक चलाए। लड़ाई लड़नी तो छोड़ दो, वॉर के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है वो एक्सरसाइज तुम्हारी आर्मी ने बंद कर दी भाई, कौन से दुनिया में हो? क्योंकि पैसे नहीं थे तेल भरने के लिए, फ्यूल, तुम लड़ोगे? पापा जोन्स का पिज्जा सेंटर चला लो जाओ। मगर वो मौका, तारीखी मौका जाया कर दिया गया, एक डेढ़ साल कर्फ्यू लगा के रखा इंडिया ने, क्रश कर दिया, अब कश्मीरी उठ ही नहीं सकते बेचारे, वो मौका तारीखी जाया कर दिया। 90 लाख मुसलमान हमने हिंदुओं को फरोख कर दिया उस वक्त की हुकूमत ने। आप ऐसा ना कीजिएगा, आज आपको जो मौका अल्लाह ने दिया है
ये दो जहानों की इज्जत आपके सर पर आ सकती है। इस वक्त आप जरूरत मुजाहरा करके इसराइल को धमकी दें, मुसलमान दुनिया को इकट्ठे करें, नजर आए कि पाकिस्तान इस सारे मामले के बीच में खड़ा है। आज मुसलमान दुनिया की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पाकिस्तान को सबसे पीछे खड़ा करते हैं। पाकिस्तान की हैसियत ही कोई नहीं है आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, मुस्लिम दुनिया के इश्यूज में। एक वक्त था जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए जनरल जिया को भेजा गया था अक्वामे मुत्तहिदा में, वो जाकर बात करें। जब अरब झगड़ा पड़ता था, अरबों में झगड़ा हुआ कैंप डेविड के बाद, यासिर अरफात को भी निकाला उन्होंने, हाफिज अल असद को भी अनवारू सादात को निकाला, उन सारे मामलात को जनरल जिया जाकर रिजॉल्व करते थे। अरब ईरान इराक जंग थी, उसमें पाकिस्तान दखल देता था, कभी तेहरान कभी बगदाद के आपस में बैठ जाओ जाके। पाकिस्तान का रोल था मुस्लिम दुनिया में, आज हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज हम सिर्फ भीख मांगते नजर आते हैं हर एक से कि हमारा डिपॉजिट रखवा दो, तो इन्वेस्टमेंट कर दो, तो पैसे दे दो। अल्लाह ने हमें अगर कमजोर बनाया है मईशत में, तो हमें फौज में ताकतवर भी बनाया है। वो जो दुनिया रश की निगाह से जिस हथियारों को देखती है, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो हथियार अता किए, लेकिन हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं आता। हम तो 48 की वॉर में वो हथियार कहां थे भारत के खिलाफ, 71 की वॉर में वो हथियार कहां थे, 65 की वॉर में वो हथियार कहां थे, 99 की वॉर में वो हथियार कहां थे? अरे कोई पूछो ना इससे, जवाब तो दो। अपनी इस मिलिट्री डिप्लोमेसी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। इंडिया को तो कोई शर्म नहीं है, पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद इसराइल को ड्रोन्स दे, तो हमें क्यों शर्म है अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हुए जो फलस्तीन में आज बिल्कुल ज़िबा होने के करीब आ गए। ये आखिरी आखिरी मामला है, चंद दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है, उनके पास अब भूख से मरने लगे हैं लोग वहां पर। सोचें कि पूरी मुसलमान दुनिया, अमीर तरीन खजाने रखे हुए हमने, और फलस्तीन के मुसलमान भूख से मर रहे हैं। पहले बमों से मर रहे थे, टैंकों से मर रहे थे, तोपों से मर रहे थे, अब भूख से भी मर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे भाई, तो आप ही लोग कहते हैं ना कि जो हो रहा है सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, जो करा रहा है अल्लाह करा रहा है, जो कर रहा है वो अल्लाह ही कर रहा है, और जो करेगा वो अल्लाह ही करेगा। तो भाई परेशान क्यों हो रहे हो? अगर वो मर रहे हैं तो वो भी आप ही का ऊपर वाला करा रहा है, वो कोई ना कोई वजह होगी जो करा रहा है, वरना बचा नहीं लेता। भाई ये आपके लोग ही कहते हैं ना, आप ही लोग कहते हो, उसी के मुताबिक मैं जवाब दे रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं। क्या टेंशन में हो? जब सब कुछ करने वाला वही है, कराने वाला वही है, तो भाई फिर क्या प्रॉब्लम है? बैठो आराम से, पॉपकॉर्न खाओ यार। कैसे हम सईदी रसूलुल्लाह के आगे खड़े होंगे कल? तारीख हमें किस तरह याद करेगी? तो वक्त तो गुजर जाएगा, जिसने शहीद होना है वो हो जाएंगे, उनका अजर अल्लाह के पास है, हम दुनिया क्या अजर दे सकती है उनको, लेकिन तारीख हमें फिर किस तरह याद करेगी? आपसे अगर हम ये गिला करते हैं या शिकवा करते हैं तो मोहब्बत की वजह से करते हैं, क्योंकि पाक फौज से हमें प्यार है। हम जानते हैं कि इस पाक फौज को तबाह करने के लिए पूरी दुनिया की ताकतें कोशिश कर रही हैं, और जाहिर है कि इसी पाक फौज को अल्लाह ने एक मकसद से बनाया है। गज़वा हिंद भी इसी पाक फौज ने लड़ना है, फिर सईदी रसूलुल्लाह की उसी हदीस शरीफ में है कि यही फौजें फिर शाम जाएंगी इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। इसकी तरबियत अल्लाह हमें करवा रहा है। हमने 67 में भी इसराइल को मारा, 73 में भी इसराइल को मारा। इसराइल हमारे खिलाफ लड़ने आता है कश्मीर में, और भारत की मदद करता है, भारत को असलाह दे रहा है ताकि ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, लेकिन हमें यहूदियों को उनके घर के अंदर जाके भी मारना है, इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो हमारे खुले दुश्मन है। हमने किया हुआ है, हमारे पासपोर्ट पर लिखा है कि हमारा पासपोर्ट इसराइल के लिए करामद नहीं है। लेकिन अब जब वो 30 लाख मुसलमानों को जिबा करने पर आ गया है, तो इस वक्त हमें एक अस्करी जवाब देना है, डिप्लोमेटिक रिप्लाई नहीं करना। वो ताकत के जोर पे बात कर रहा है, वो दहशतगर्दी से बात सुनेगा, उसको दहशतजदा करना पड़ेगा हमको। जब इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था इंडिया वालों ने 2019 में, तो हमने अपने उस वक्त भी मिसाइल निकाले थे, और उस वक्त भी हमें पता था कि एक उसमें से इसराइली है जिसने हम पर हमला किया था। ये इसराइली हमें छोड़ेंगे फिर भी नहीं, वो तो हिंदुस्तान की मदद से आ ही रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने कम अज कम अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद करने के लिए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए इस वक्त फलस्तीन में अपनी मदद भेजें, अपनी फौजों को भेजें, पहले भी भेज चुके हैं ना। चले भाई बंद करते हैं, बड़ा मजा आया, देखिए कितने कितनी हंसी आई, कैसी ये सुपरफिशियल बातें करता है। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हुई इस बार, मैं पहली बार कि अगर जनरल आसिम मुनीर तुम में गैरत बची है, तुम में हिम्मत है, तुम डरपोक नहीं हो, तुम्हारी कौम तुम्हारी फौज डरपोक नहीं है, तो भेजो फौज, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसराइल के खिलाफ तुम लड़ो, मैं यहां से बैठ के तुम लोगों को बताऊंगा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी फौज भेजो जरा।
भेजो तो सही, फिर तो आएगा मजा। भेज नहीं पाओगे, और जितने पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, नहीं भेज पाएगी तुम्हारी फौज। कुव्वत चाहिए, कुव्वत जो तुम्हारे अंदर है नहीं, और ये तुम्हें आत्मघाती दस्ता बनाने को तैयार है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं, हालत खराब, टैंक में तेल नहीं, उसके बाद कह रहे कि जाके लड़ जाओ, कह रहे कि जाओ कुएं में कूद जाओ। जैद हामिद को बना दो आर्मी चीफ, मैं बता रहा हूं। असिम मुनीर को हटाओ, जैद हामिद को बनाओ, ये कश्मीर भी फतह करने की कोशिश करेगा, करके मतलब करने की कोशिश करेगा, और फिलिस्तीन को भी आजाद करवाने की कोशिश करेगा। ये कर दो एक बार यार, बाकी तो ये खुद बैठ के, इसकी तो रातों की नींद हराम है। इसकी आंखों में देखो ना, डर नजर आता है इसकी आंखों में। रात को इसको इंडियन आर्मी के और एयरफोर्स के और नेवी के हमारे सपने आते हैं, हड़बड़ा कर रात में उठ जाता है, अटैक हो गया, अटैक हो गया, अटैक हो गया। मैं तो पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं यार, जाओ कहो अपने पाकिस्तानी फौज से कि भेजो फौज फिलिस्तीन, एक फौज का बंदा भेज के दिखा दो फिलिस्तीन, तब तो समझू मैं। पिछवाड़े में चाहिए ताकत, वो है नहीं पाकिस्तानी फौज में, वो हम देख चुके हैं, इतिहास गवा रहा है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताएं भाई, मजा आया कि नहीं आया इस वीडियो को देखने में, रोते हुए लाल टोपी को। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था लाल टोपी, ज़ियाद अहमद एक बार फिर दर्द से करा रहा है, और दर्द कहां का है, फलस्तीन का। अब देखें, फलस्तीन का दर्द मुझे भी है, मैं भी एक मुसलमान हूं, वहां पे वो आम लोग, आम बेचारे मर रहे हैं, और दुनिया में कहीं अगर ये फलस्तीनियों के अलावा कोई भी कौम होती, मुसलमानों के अलावा भी, तो उसका भी दर्द हमें एज ए ह्यूमन बीइंग होना चाहिए कि यार कहीं भी अगर जुल्म हो रहा है, आज वो अगर अपने घरों बार को छोड़कर बैठे हुए हैं सहराओं में जाकर, लेकिन इस सब के पीछे कोई वजह भी तो है ना, क्यों वो बैठे हुए हैं, क्यों एक अच्छे खासे जो रिलेशंस थे वो बिगाड़ दिए गए, वो एक जाके एक ऐसी जंग छेड़ दी गई जो कि तुम जीत ही नहीं सकते, जो तुम लड़ ही नहीं सकते, तो फिर कैसे तुमने ये जंग छेड़ दी। अब जैसे हमास ने हमला किया निहत्ते इसराइलियों पे, अब ये बात कोई नहीं करेगा, लाल टोपी कभी नहीं करेगा ये बात कि जो मर जाएगा ये भाई, निहत्ते इसराइली थे जो अपना एक फेस्टिवल मना रहे थे और फेस्टिवल पे हमला कर दिया गया और छोटे छोटे बच्चों को निशाना तार कर मारा गया, और वीडियोज मौजूद है, ये ऐसे ही बातें नहीं होती, वीडियोस मौजूद हैं, और फिर वो अगर तुम पे चढ़ नहीं दौड़ेंगे उन बेगुनाह फलस्तीनियों पर, तो वो क्या करेंगे, वो फिर ऐसा ही करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही करा है। उन्होंने कहा, आज भी नेतन्याहू का बयान है कि अगर मैं आज भी इनको छोड़ता हूं तो मुझे कल भी फिक्र है ये पलटकर फिर मेरे लोगों को हमला करेंगे और मेरे लोगों को मारेंगे, और मैंने अगर अपने लोगों की हिफाजत करनी है तो मैंने एक भी हमासी को जिंदा नहीं छोड़ना। तो वो मुसलसल लगा हुआ है, उसके पीछे $16 अरब की रिसेंटली अमेरिका ने उसको एड दी है, जंगी इमदाद दी है, लेकिन आज हमारे बैठे यहाँ सिर्फ, हमने उस वक्त भी हिमायत की थी कैद आजम ने, उस वक्त उसके बाद उसने फैसला कहाँ आ गया था, पाकिस्तान बना ही नहीं था, तो किस चीज के जरिए उसने इतने असला उनको भेज दिया। ये खाली बातें जिन पे ये इन्होंने पाकिस्तान ये कहानियों पे, आज ये आज पूरे पाकिस्तान की हालात फलस्तीन से ज्यादा कोई बेहतर नहीं है। हमारी मुआशी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, और कल को कोई हम पे आक्रमण कर दे, कोई भी हमला कर दे, हमारे पास इतनी क्या ताकत मौजूद है कि हम उसका अपने मुल्क का दिफा भी कर सके। हमारी इतनी बड़ी फौज का भी कह दिया, ये भी कह दिया, वो भी कह दिया, लेकिन हकीकी तौर पर अपने अंदर को देखिए, आज भी लाल टोपी को अगर दर्द है तो कहता कि आज पाकिस्तान का जो निज़ामे तालीम है उसको इतना बेहतर होना चाहिए कि कल को हम किसी भी यूरोपियन साइंटिस्ट के मुकाबले में हमारे साइंटिस्ट वो चीज़ें तैयार करके बैठे हों जो वो तैयार कर रहे हैं। हमारे पास हमारी मईशत इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि डॉलर के मुकाबले में हमारे रुपए की भी वैल्यू हो, लेकिन वहाँ पे तो तुम ऐसे हाथ उठाकर भीख मांगे के खड़े हो, और भीख मांगे हुई की रकम से ही तुम चाह रहे हो कि फलस्तीनियों की इतनी बड़ी फौज और ताकत और ये वो तुम लड़ो, और शर्म पता नहीं शायद हमारी कहाँ पे रख दी है। बिल्कुल जी, वो
आर्मी चीफ की जो है वो आंखें खो रहे थे, उनका ध्यान जो है वो मुसलमानों पर दिला रहे थे जहां पे जुल्म हो रहा है। और इसी और आर्मी चीफ को रिसेंटली जो इलेक्शन में गालियां पड़ी हैं इस हाफिज साहब को, वो भी थोड़ी सी बता दें। वो कैसे यार बता दें, वो बताएंगे तो भाई वो इनको इनके ओहदे से हटा दिया जाएगा, ये जो इनको इन्हें इन इतने मराहत मिल रहे हैं वो सारे हटा दिए जाएंगे। हालांकि इनको ये चाहिए था अपने ओहदे का इस्तेमाल करते, अगर सही इस्तेमाल करते तो ये कहते कि हाफिज साहब जो बलूचिस्तान में जुल्म इंसानियत पे हो रहा है वो हमने नहीं अब होने देना, हमने इंसानों के फलाह के लिए काम करना है। हमारा जो सिंध में जो निज़ाम चल रहा है ना, वह डेरा शाही वाला निज़ाम चल रहा है, वो हमने ख़त्म करना है। हमने जो आम आवाम गरीब का खून चूस रहे हैं, हमें उनको कैसे फैसिलिटेट करना है, हमने उनको कैसे वो आगे लेके आना है, हमने कौन से ऐसे मनसूबे तैयार करने जो अपने मुल्क के अंदर जो इंसानियत पे जुल्म हो रहा है वो रुक जाए, जो गरीब का खून चूस रहे हैं हम वो हम रोक लें, कैसे रोक लें, उसके खिलाफ कोई इकदाम उठाएं। ये फलस्तीनियों का इनको दुख हो गया जो हीटर में और एसियों में बैठ के जो ये वो उनकी इतनी गैरत को ललकार रहे हैं कि आपको इतनी बड़ी सपा सलार हो, आप इतनी बड़ी फौज के कि जिन्होंने 90,000 ने पैंटें उतार के उधर जो सलामी दी थी वो जो है वो नहीं, वो उनको याद करवा रहे इतनी बड़ी फौज के, लेकिन इनको दुख है तो फलस्तीन का है, इनको दुख नहीं है तो बलोचियों का नहीं है, इनको दुख नहीं है तो जो सिंध में गरीब वडेरा शाही है उस पर इनको दुख नहीं है। अगर पंजाब में जो लोग हैं वो इतने बेबस हो चुके हैं गैस और बिल और बिजली के बिलों की वजह से, इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपने बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चे जिनकी थोड़ी फीस होती है उनको भी घर पे बैठा रहे हैं कि यार दो टाइम का खाना हम नहीं दे सकते, हम इनकी जो फीस जो है स्कूल की वो हम कॉपी किताबें वो फीसें हम कैसे पूरी करें, जब हम घर का रेंट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, 10,000 रुपया बिल आ रहा है वो देने के लिए उनके पास रोजगार नहीं है, तो ये नहीं उन्होंने बात करनी कि हम उनको रोजगार बेहतर मुहैया करें, हम उनको कोई ऐसी सहूलत दें जिसके बिना पे उनका रोजगार चले, उनका घर का चूल्हा चल सके, आटा मिल नहीं रहा है। और आपने जो है वो भाई फलस्तीन पे जाके जो है ना इसराइलियों को आपने मारना है, फलस्तीनियों के जो मुसलमान फलस्तीन के मुसलमान है उनके वहां जाके इमदाद करनी है, वहां जो भूखे प्यासे ये हम तो कहते हैं भाई उन कैसे चले जाएं, ये इन्होंने इतने बड़े ओहदे किन्होंने संभाल लिए भाई, इनको तो हर चीज फ्री में मिलती है, पाकिस्तान हर चीज हमने तो हर चीज खुद के पैसों की लेनी है ना, हमारे तो फ्री में ले गए। हाँ जी वो इन्होंने पाकिस्तान के पिलर को नीचे से कांधा दिया था, अगर वो ये चले गए तो वो नीचे पिलर गिर जाएंगे और पाकिस्तान की जो दिफा को है वो खतरा हो जाएगा, इस वजह से ये नहीं जाते हैं क्योंकि ये हैं तो पाकिस्तान का दिफा हो रहा है, वैसे तो ये बात भी ना करें जो जाना नहीं है तो देखिए भाई ऐसी बातें अगर ना करें तो फिर वो कैसे पता चलेगा दुनिया को, पाकिस्तान की आवाम को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो इतने ओहदों पे बैठे हैं, ये जो इतनी इतनी बड़ी सैलरियां ले रहे हैं, तो ये ऐसे खाली बयान भी ना दें, आपका कहना कि वो जो दो चार बयान दे देते हैं वो भी ना दें, यार ये भी याद होती है यार आप भाई चले जी, ये पाकिस्तानी माइंडसेट है बिल्कुल, और इसके साथ ही हम आज तक चलते आए हैं और आगे भी इसके साथ चलना चाह रहे हैं, तो फिर तो हमारा गुजारा मुश्किल है। मुश्किल। और दूसरी तरफ हमें तवज्जो होनी चाहिए हमारे जो मुआशी हालात हैं उस वक्त, सबसे बड़ा जो चैलेंज है आम पाकिस्तानी से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक, अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो जो चंद लोग थोड़ा सा कमा कर अपने निज़ाम चला रहे हैं वो भी खत्म हो जाते रहेंगे, क्योंकि कोई भी मुआशी पॉलिसी इस वक्त कारगर नहीं चल रही है, क्योंकि पॉलिसी होगी होगी तो कारगर होगी, तो यहाँ पे अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी सबसे बड़ी जो चीज है वो मुआशी इस्लाहात की है, वो हम कैसे करेंगे वो भी हम इस दफा हुकूमत बनने से पहले आवाजें आ रही हैं कि जो हम बजट बनाएंगे वो IMF से मंजूर शुदा बजट होगा, और वो जो IMF जिस तरह से कहेगा वही हम चीजें कर देंगे, तो कौन सी यहाँ मुआशी इस्लाहात, और उस चीज के चलते हुए आपने IMF से पैसा लेना है, और फिर तुम कह रहे हो कि जाओ फलस्तीनियों की जाके मदद करो, तुम सबसे ताकतवर फौज के सरबराह, तो क्या इस बात की तुक बनती है, वो फौज अपने आप में ही शर्म आने की बात है कि फौज के पास को अपना तो ऐसा कोई रुपया उसने पड़ा नहीं, ऐसे खजाने उसने रखे हुए हैं कि वो फलस्तीन की मदद के लिए वहां से अपना बजट निकाल रहे, तो ये वो सारी चीजें हैं। आज हम हकीकत से उतने ही कोसों दूर हैं जितना पाकिस्तान तरक्की से। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।